नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे में, अभिसार शर्मा। जानते हैं त्रिपुरा में क्या हुआ है? त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, और ये वीडियो इस बात की गवाही है, प्रतिवाद कलम नाम के एक दफ्तर में हमला करके वहां सीसीटीवी तोड़ दिया, दफ्तर को तहस नहस कर दिया, यहां तक कि कई गाड़ियों तक को आग लगा दी। गुंडई की वहशी पने की तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही राज्य में। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल सभा अब तक तेरी है। दूसरा मुद्दा आपके सामने, आखिर कांग्रेस ने क्यों हमला किया अमित शाह के बेटे जय शाह पर? क्योंकि आप जानते हैं कि जय शाह बीसीसीआई के ऑनररी सेक्रेटरी हैं, और कल जय शाह ने यह वीडियो संदेश जारी किया जो आपके स्क्रीन पर है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने क्या कहा है मैं आपको बताना चाहता हूं। कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक आपके स्क्रीन पर, और रागिनी नायक ने क्या कहा है वो पढ़ के सुनाना चाहता हूं। रागिनी नायक कहते हैं, यह दुनिया के सबसे अमीर और सशक्त क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के सचिव जय शाह, आप ही बताइए, अगर ये अमित शाहजादे ना होते तो बीसीसीआई के चौकीदार भी नियुक्त ना हो पाते। सीधा हमला है अमित शाह के बेटे जय शाह के ऊपर। मैं आपको सुनवाना चाहूंगा कि जय शाह किस तरह से घबराकर डर कर पढ़ रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं सामने, जैसे कहते हैं ना, ऑटो क्यू रहा होगा, प्रॉम्प्टर रहा होगा, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये संदेश पढ़ा होगा। सुनिए जय शाह को। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट टीम इंडिया फॉर देयर वंडरफुल परफॉर्मेंस इन इंग्लैंड। दे शोन रिमार्केबल कैरेक्टर एंड मेड एवरीवन प्राउड। वी आर अप 2-1 इन टेस्ट सीरीज एंड वी विल डू बेस्ट इन फिफ्थ टेस्ट। आई शैल नाउ अनाउंस इंडिया स्क्वाड फॉर आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप 2021। सिलेक्शन कमिटी मीटिंग वॉज अटेंडेड बाय 5 सीनियर सिलेक्टर एंड कैप्टन विराट कोहली फ्रॉम मैनचेस्टर। विराट कोहली कैप्टन, रोहित शर्मा वाइस कैप्टन, KL राहुल, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत विकेटकीपर, हार्दिक पंड्या, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शामी, आर अश्विन, अक्षर पटेल, ईशान किशन, राहुल चहर, वरुण चक्रवर्ती। एंड एज फार एज स्टैंड बाय इज कंसर्न, श्रेयस अय्यर, दीपक चहर एंड शार्दुल ठाकुर। देखिए, रागिनी नायक ने कहा कि वो चौकीदार भी नियुक्त ना होते। मैं इस भाषा से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को चौकीदार शब्द से आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को नौकरियां तो नहीं दे पाए, अलबत्ता मैं भी चौकीदार का नारा दे दिया था। याद है आपको 2019 के चुनावों से पहले, मैं भी चौकीदार हूं, जिसके जवाब में कांग्रेस ने चौकीदार चोर है का नारा जो है वो जारी किया था। मगर मुद्दा कुछ और है। देखिए, अगर तो जय शाह की मौजूदगी से भारतीय क्रिकेट जो है लगातार तरक्की कर रहा है तो एक अलग बात है, मगर मेरा आपसे सवाल, क्या यह घोषणा कोई और नहीं कर सकता था? क्या जय शाह ही बीसीसीआई के अंदर सबसे काबिल व्यक्ति थे? वैसे तो कायदे से मुझे आपत्ति इस बात पर है कि जय शाह वहां मौजूद क्यों है। क्या वो क्रिकेटर हैं सिर्फ इसलिए कि वो अमित शाह के बेटे हैं? और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर आने वाले दिनों में वो अमित शाह की राजनीतिक विरासत संभालते हैं तो उसको लेकर मुझे कोई बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि भारत में एक लंबा चौड़ा खेल चला आ रहा है वंशवाद का। मगर मुद्दा यहां पर यह है कि बीसीसीआई में जय शाह सिर्फ इसलिए सचिव हैं क्योंकि अमित शाह उनके पिता हैं। अगर अमित शाह उनके पिता ना होते, जो कि देश के गृहमंत्री हैं, फॉर्मर बीजेपी प्रेसिडेंट हैं, सांसद हैं गुजरात से, तो जाहिर सी बात है बीसीसीआई में उनके प्रवेश का सवाल ही नहीं होता। इसके बाद भाजपा के पास कोई अधिकार नहीं रह जाता कि वो वंशवाद के मुद्दे पर हमला करे कांग्रेस पर या किसी और पार्टी पर, क्योंकि जय शाह यहां अमित शाह की राजनीतिक विरासत नहीं संभाल रहे हैं, वो एक ऐसी संस्था में घुस गए हैं जो इस देश की सबसे धनी संस्था है, और इस संस्था में घुसकर
वो जो काम कर रहे हैं उसको लेकर कोई पारदर्शिता नहीं, कोई नहीं जानता कि उनके काम से भारतीय जो क्रिकेट है वो लगातार तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा है, उनका ऐसा क्या योगदान है। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के पास वंशवाद के मुद्दे पर अब कोई मॉरल राइट, कोई नैतिक अधिकार नहीं रह जाता है, और इसलिए कांग्रेस भी हमला कर रही है, क्योंकि आप जानते हैं कांग्रेस की भी दुखती रग है वंशवाद। मगर जो मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों, और यह बहुत अहम मुद्दा है और मैं चाहूंगा आप उस पर गौर करें, यह खबर अपने आप में बहुत गंभीर है। आपके स्क्रीन पर देखिए यह तोड़फोड़ की तस्वीरें, इसमें आप देख सकते हैं बीजेपी के झंडे दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी किस तरह से प्रतिवाद कलम नाम के एक दफ्तर है त्रिपुरा में, एक अखबार है, उसके दफ्तर पर हमला बोलता है। ये तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं, बताया जा रहा है कि ये एक बीजेपी रैली है जिसमें बीजेपी नेता टिंकू रॉय, पापिया दत्ता और राजीव भट्टाचार्य जी पैराडाइज चौमहानी से आए और उन्होंने प्रतिवाद कलम नाम के अखबार के दफ्तर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों वो वीडियो जो उनके दफ्तर के अंदर की हालत को दिखा रहा है। ये देखिए दोस्तों, पूरी तरह से दफ्तर को तहस नहस कर दिया गया है, सीसीटीवी तोड़ दिए गए हैं, पत्रकार जहां बैठते हैं उन्हें तोड़ दिया गया है। और अचरज की बात यह है कि इनकी अपनी सरकार त्रिपुरा में चल रही है, बिप्लब देव, माननीय बिप्लब देव यहां के मुख्यमंत्री हैं, और इस तरह की गुंडई जारी है। अब ये तस्वीरें देखिए दोस्तों, मैं ये वीडियो नहीं दिखा सकता मगर इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं हिंसा इतनी गंभीर थी कि इन्होंने गाड़ियों तक को जला दिया। ये त्रिपुरा में हो रहा है, क्या ये लोकतंत्र है? क्या भारतीय जनता पार्टी को इतनी दिक्कत है उन अखबारों से जो इन पर सवाल उठाते हैं? और ये पहली बार नहीं है दोस्तों। ये एक और खबर देखिए इंडियन एक्सप्रेस की, इसकी तारीख देखिए, तारीख है 7 नवंबर, और खबर क्या कहती है पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 6000 कॉपीज ऑफ त्रिपुरा न्यूज़पेपर डिस्ट्रॉयड, एडिटर सेज अटैक आफ्टर एक्सपोज मेजर स्कैम। 150 करोड़ का कृषि घोटाले को उजागर किया था प्रतिवाद कलम ने, और उसके तुरंत बाद नवंबर के महीने में बीजेपी ने इस अखबार की 6000 कॉपियां बर्बाद कर दी थी। अब इन्होंने एक और लक्ष्मण रेखा पार कर दिए दोस्तों, इन्होंने दफ्तर में घुसा, सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इस तरह की गुंडाई बीजेपी कर रही है त्रिपुरा के अंदर, और मैं जानता हूं इनका प्रचार तंत्र क्या कहेगा। इनका प्रचार तंत्र कहेगा कि ये वामपंथी माउथपीस होगा, वामपंथी अखबार होगा, इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। पहली बात, मैं आपको एक खबर दिखाना चाहता हूं, June 29, 2017 की एक खबर है, आउटक्राई आफ्टर त्रिपुरा सस्पेंड्स लीडिंग वर्नैक्युलर डेली। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रतिवादी कलम जो कि अखबार था, जब वामपंथियों की सरकार थी उन्होंने पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि यह अखबार लगातार भ्रष्टाचार की बात करता था, अनियमितता की बात करता था, और उसके चलते उस वक्त जो सरकार थी उन्होंने भी इस पर पाबंदी लगा थी, मगर इन्होंने सिर्फ सस्पेंड किया था, इन्होंने हिंसा का इस्तेमाल नहीं किया था। मगर अब आपके सामने मिसाल है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि अखबार में हमला किया जा रहा है, इनके बीजेपी के नेता जिनकी शिनाख्त हो चुकी है, जिनकी पहचान हो चुकी है, उनके जरिए हमला कराया जा रहा है। आज मैं आपसे एक बहुत ही सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि यह किस सूरत में लोकतंत्र माना जाएगा, इसे किस सूरत में सही ठहराया जाएगा? आखिर भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र जैसे शब्दों से, आजाद प्रेस जैसे शब्दों से इतनी एलर्जी क्यों है, बताइए ना, इतनी एलर्जी क्यों है? जयशाह का मैंने जिक्र किया, इसी जयशाह पर मेरी दोस्त रोहिणी सिंह ने खबर की थी, द गोल्डन टच ऑफ जयशाह, जिसमें बताया गया था कि मोदी सरकार के आने के बाद इनकी जो कंपनी का टर्नओवर है वो कई हजार गुना ज्यादा बढ़ गया। सिर्फ यह खबर करने पर, जो कि पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित था, इन्होंने रोहिणी सिंह और द वायर पर मुकदमा कर दिया था। इन लोगों से सच नहीं सुना जाता दोस्तों, या ये कहा जाए सच सुनने की हिम्मत नहीं है। और दुख की बात यह है दोस्तों कि यह पार्टी अपने आप को क्रांतिकारी बताती है, यह पार्टी कहती है कि भाई जब देश में आपातकाल लागू हुआ था तो हमने उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी, मगर यह पार्टी
सबसे ज्यादा डरती है सच से। यह पार्टी सत्य से डरती है, जो अपने आप में बहुत दुख की बात है। मुझे खुशी इस बात की है कि त्रिपुरा के अंदर भी जो लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में पत्रकारिता करते हैं, वो लोग भी इस हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। क्योंकि राष्ट्रीय मीडिया में तो एक तरह से आप देख रहे हैं कि पूरा मीडिया जो है वो बीजेपी के सामने नतमस्तक है, और जब भी भारतीय जनता पार्टी सरकार से सवाल किया जाता है तो उन मीडिया संस्थानों को लगातार टारगेट किया जाता है। उन पर इनकम टैक्स की रेड होती है, ईडी की रेड होती है, गिरफ्तारियां होती हैं। और हाल ही के दिनों में बरसी पूरी हुई थी, आपको याद होगा, गौरी लंकेश की तो हत्या भी कर दी गई थी। उसका नाता बीजेपी से बेशक ना रहा हो, मगर आप जानते हैं कि कौन सी संगठन या कौन सी संस्थाएं थीं गौरी लंकेश की हत्या के पीछे। सच से डरिए मत, उसका सामना कीजिए, क्योंकि आप सच दबा ही नहीं पाएंगे। हो सकता है कि अगले 3-4 सालों तक आपका यह प्रोपेगेंडा चलता रहे, अगले 5 सालों तक यह प्रोपेगेंडा चलता रहे, मगर कभी ना कभी यह धराशायी होगा और तब सच सामने आएगा। तो बेहतर है कि आप सच को गले लगाएं, उसका सामना करें और उन पत्रकारों से संवाद करें, उन संस्थाओं से संवाद करें जो आपकी कमियों को उजागर करते हैं। उन्हें दुश्मन मत मानिए, क्योंकि इससे किसी का फायदा नहीं होने वाला है। वो पत्रकार कभी नहीं झुकेगा और आपके दमन के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।